डोरी की कहानी में आपको बता दें कि गंगा प्रसाद पर आरोप लगा है चोरी का, जहां आपको ये बता दें कि कैसे कैलाशी देवी ने घर पर रख दिए हैं अपने गहने और नानू और डोरी दोनों को कर दिया है परेशान। जी हां, नानी और डोरी पे लगे हैं आरोप, जहां इंस्पेक्टर कैलाशी देवी पर आरोप लगाएगी और कहेगी कि गंगा प्रसाद की मौत के पीछे मुझे इनका हाथ लग रहा है। जहाँ आनंद को गुस्सा आ जाएगा और आनंद कहेगा कि आप मेरी माँ पर कैसे उंगली उठा सकते हैं, तो इंस्पेक्टर कहती हुई नजर आने वाली है कि आज तो उंगली उठाया है, अगर मुझे कोई सबूत मिल गया तो मैं इन्हें हथकड़ी पहनाकर सलाखों में भी रख दूंगी और ये बात तुम्हें भी अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। आपको बता दें कि जब चोरी का सामान मिलेगा डोरी के घर से, तब कैलाशी देवी इन दोनों को काफी जलील करने वाली है और मोहल्ले के सामने ये कहने वाली है कि अब इस मोहल्ले की कोई भी साड़ी हमारे घर में नहीं आएगी। ये सुनकर पूरे परिवार वाले तो हैरान होंगे ही होंगे, साथ ही आस पड़ोस के लोग भी हैरान हो जाएंगे। आपको जानकारी दे दें कि दूसरी तरफ मानसी को डोरी की चिंता हो जाएगी, क्योंकि डोरी दर दर भटकने वाली है, क्योंकि नानी भी डोरी को घर से बाहर निकाल देगी, क्योंकि नीलू भड़काती जो नजर आने वाली है। वेल, आगे की अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।